जय हिंद। आइए देखते हैं किरचाप के नियम के बारे में कि किरचाप का नियम क्या कहता है। तो किसके विषय में जानेंगे, तो किरचाप का नियम, किसका नियम है, किचकिचा के चाप, किसका नियम है, किचकिचा के चापा चाचा। जब किचकिचा के चाचा चापेंगे तो कौन नियम बनेगा, किरचाप। किचकिचा के चाप किसका नियम बनेगा, किरचाप। तो किरचाप के फर्स्ट नियम को हम बता दिए हैं, यह है सेकेंड नियम यानी द्वितीय नियम है, और इसे हम कहते हैं द्वितीय नियम को लूप का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, लूप का नियम कहते हैं। पहले वाले को क्या कहते, संधि का नियम भी कहते थे, तो उसी प्रकार दूसरे वाले को हम लूप का भी नियम कहते हैं। अब किरचाप ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, एक सर्किट ले लेते हैं। क्या करते हैं, हम सर्किट को ले लेते हैं, ये हो गया हमारा सर्किट, ये हमारा हो गया सर्किट हो गया। अब इसे हम क्या करते हैं, हम इसे प्रदर्शित कर देते हैं, ए बी सी डी ई और एफ से। क्या करते हैं, इसे हम प्रदर्शित कर देते हैं। अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, इसके हम विद्युत धारा को गुजारेंगे। तो जब विद्युत धारा को हम गुजारेंगे तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, उसके ही बराबर होगा। अब जैसे देख लीजिए, अब I को हम कैसे क्या करेंगे, तो I जब हम लिखते हैं तो लिखते हैं I को हम प्रदर्शित करते हैं विद्युत धारा से। क्या करते हैं, विद्युत धारा से हम क्या करते हैं, I को प्रदर्शित करते हैं, और R को लिखते हैं प्रतिरोध। क्या लिखते हैं, प्रतिरोध लिखते हैं, और V को किससे लिखते हैं, वोल्ट से लिखते हैं, और E को लिखते हैं विद्युत वाहक बल। पहला होता हमारा विद्युत धारा, आई को हम क्या करते हैं, विद्युत धारा से प्रदर्शित करते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, विद्युत धारा को हम इसमें गुजारेंगे, तो हम गुजार दिए आई, आई वन हो गया। अब उसका प्रतिरोध क्या होगा, तो आर वन, विद्युत धारा है आई और प्रतिरोध है आर, तो आई और आर वन हो गया। अब इसमें देखते हैं, इसमें हम आई वन लिखे तो इसका हुआ है आर वन, अब इसमें लिखेंगे हम आई टू, तो होगा हमारा प्रतिरोध आर टू होगा, ठीक है। अब इसमें विद्युत वाहक बल जो है, यानी विद्युत वाहक बल हम मान लेते हैं ई वन और ई टू मान लेते हैं, ये हमारा विद्युत वाहक बल है। अगर हमको इस पर निकालना रहेगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो आइए इसको हम देखते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, ए बी सी और डी को लेके निकालते हैं, तो हम कैसे निकालेंगे, पहले देखिए ए बी सी और डी को लेके हम निकालते हैं, तो यहाँ से जाएगा बी तक। अब बी के रास्ते में कौन कौन पढ़ रहा है, तो आई वन पढ़ रहा है और आर वन पढ़ रहा है, तो हम लिखेंगे आई वन और आर वन, ये हो गया हमारा आई वन और आर वन हो गया। अब दूसरे वाले में देखेंगे तो इसका प्रतिरोध आई वन का था आर वन, तो इसका होगा आई टू का आर टू हो गया, आई टू का आर टू हो गया। अब देखिए, अब इसका विद्युत वाहक बल कितना है, तो E1 और E2 है, तो हम लिखेंगे E1 और E2 लिखेंगे। अब सबसे समस्या आता है कि इसमें चिन्ह कौन सा लगाएंगे, तो देखिए चिन्ह कैसे लगता है, तो जब विद्युत धारा प्रतिरोध एक ही दिशा में चलेंगे, अब विद्युत धारा भी इसी रास्ते से चला और प्रतिरोध भी इसी रास्ते से जा रहा है, तो जब विद्युत धारा और प्रतिरोध एक ही रास्ते में चलते हैं तब हम क्या करते हैं, माइनस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हम माइनस लिखते हैं, तब क्या करते हैं, माइनस को लिखते हैं। अब हम देखते हैं दूसरे वाले में, ये तो गया हमारा पहला सर्किट, अब देखते हैं हम दूसरे सर्किट में। अब यहाँ पे देखिए, अब कुल कितना धारा बह रहा है, दोनों जो एक थ्योरम मिला के हम नीचे वाले को धारा को क्या करते हैं, बहवाते हैं, तो कितना बहेगा, तो हो गया आई वन और हो गया आई टू। अब कुल धारा बह रहा है, इसमें कुल धारा बह रहा है, और इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आर थ्री हो जाएगा, इसका प्रतिरोध हो गया। अब हम इसमें देखते हैं, यानी ए डी एफ ई में देख लेते हैं, ए डी ई एफ में देख लेते हैं इसको कैसे करना है। अब देखिए कितना कितना बनेगा, तो देखिए आई वन और आर टू दिया, यानी आई टू हो गया और आर टू हो गया, यहाँ दिया है दूसरे में आई टू और आर टू, तो इसका प्रतिरोध हो गया आर टू। अब कुल कितना धारा बह रहा है, इसमें देखिए कुल कितना धारा जा रहा है, तो कुल धारा जा रहा है I1 और I2 धारा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, I1 और
आई टू धारा जा रहा है। अब इसका प्रतिरोध कितना है, तो इसका प्रतिरोध है R3 है। अब विद्युत वाहक बल क्या है, तो इसमें विद्युत वाहक बल तो है नहीं, तो विद्युत वाहक बल ऊपर वाले में तो क्या लिखेंगे, E2 लिखेंगे। अब देखिए, जब विद्युत धारा और प्रतिरोध एक दिशा में चलते हैं तब हम माइनस लगाते हैं, लेकिन अगर विद्युत धारा और प्रतिरोध विपरीत दिशा में चलने लगेंगे, विद्युत धारा इधर जाएगा और विद्युत धारा इधर जाएगा, प्रतिरोध इधर आएगा, तो हम क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे प्लस लिख देते हैं, समय ये हम लिख देते हैं प्लस। अभी प्लस और माइनस कहाँ से आता है, तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि चिन्ह परिपाटी। अगर चिन्ह परिपाटी हम जान जाएंगे तो हम क्या करेंगे, ये सब बना देंगे। अब हम देखते हैं कि चिन्ह परिपाटी क्या होता है, तो यहाँ देखते हैं चिन्ह परिपाटी। अब देखिए, हमारे पास एक प्रतिरोध है जिसमें धारा I बह रहा है। क्या बह रहा है, I बह रहा है। और एक हम और प्रतिरोध ले लेते हैं जिसमें धारा I बह रहा है, ये धारा हमारा I बह रहा था। और हम एक सेल ले लेते हैं, क्या करते हैं, एक हम सेल ले लेते हैं जिसमें क्या है, जिसका विद्युत वाहक बल क्या है, E है। इसका विद्युत वाहक बल क्या है, E है। एक और हम सेल ले लेते हैं जिसका विद्युत वाहक बल E है, ठीक है। अब उसके बाद ये हो गया हमारा जो प्रतिरोध है उसमें धारा I बह रहा है, और एक और हम प्रतिरोध लिए जिसमें धारा I बह रहा है, और एक हम और सेल लेते हैं तो जिसमें सेल क्या है, इसका जो सेल है इसका जो विद्युत वाहक बल क्या है, E है, और ये हमारा विद्युत वाहक बल E है। उसके बाद आता है संधारिता, हम क्या करते हैं, अब संधारिता को ले लेते हैं। एक हो गया हमारा संधारिता, ये होता है Q/C, और एक और हम संधारिता ले लेते हैं, ये होता है Q/C। अब एक Q/C कहाँ से आता है, तो देखिए होता है Q=V/C, तो V बराबर होता है Q/C होता है। ये हो गया हमारा चिन्ह परिपाटी। अब हम पहचानेंगे कैसे कि किस में प्लस रहेगा किस में माइनस रहेगा, तो सबसे मेन चीज़ होता है ये पहचानना कि किस में प्लस रहेगा और किस में माइनस रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे हम जान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमारा प्रतिरोध है जिसमें धारा I बह रहा है। जब प्रतिरोध और धारा एक ही दिशा में जाते हैं, यानी जब हमारा धारा और प्रतिरोध एक ही दिशा में चलेगा, जैसे हमारा धारा और प्रतिरोध ऐसे एक दिशा में जा रहा है, दोनों एक का साथ है, जैसे हम मान लेते हैं हम धा रहे हैं विद्युत धारा, और प्रतिरोध भी ऐसे हम जा रहे हैं और प्रतिरोध भी हमारे साथवां चल रहा है। जब हमारे साथवां वो चलेगा तब हम क्या लिखते हैं माइनस का आई और आर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, माइनस का आई और आर, यानी जब विद्युत धारा और प्रतिरोध एक दिशा में बहेंगे तब लिखेंगे माइनस का आई और आर। समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, हम दूसरा वाले में देखते हैं, हो गया हमारा पहला, हाई हो गया दूसरा, हाई हो गया तीसरा, चौथा, पांच और छह। अब देखिए, अब दूसरा वाले में क्या कहते हैं, दूसरे वाले में कहता है कि जब विद्युत धारा और प्रतिरोध, यानी जब विद्युत धारा और प्रतिरोध विपरीत दिशा में जाएंगे, जैसे हम क्या है, विद्युत धारा उधर से प्रतिरोध आ रहा है, हमारा मुंह और प्रतिरोध का मुंह एक के वैसे नज़र लग गया हम लोगों का। अब हम ऐसे जाएंगे, प्रतिरोध उधर से आएगा, जैसे हम कहा कि हैं पूर्व साइड में हमारा मुंह है ऐसे है, और जो प्रतिरोध है उसका मुंह क्या है, पश्चिम साइड में है। हम ऐसे पूर्व जाएंगे और वो क्या करेगा, पश्चिम आएगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों विपरीत दिशा में जाएंगे, और जब हम दोनों लोग विपरीत दिशा में जाएंगे तब हम लिखते हैं प्लस का आई आर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्लस का आई आर। जैसे मान लीजिए है जा रहा है विद्युत धारा और आई आ रहा है प्रतिरोध, यानी हाई चला यहाँ तो इसका यहाँ मुँह हो रहा है और इसका मुँह वहाँ यहाँ हो रहा है, और जब विपरीत दिशा में चलेंगे तो लिखेंगे प्लस का आई और आर लिखेंगे। अब उसके बाद आते हैं सेल में, सेल में क्या होता है, प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस। जैसे मान लीजिए हाई बैटरी है, बैटरी टीवी देखने वाला, इसमें प्लस है और यही माइनस है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चल रहे हैं और जब हम पहले ऐसे जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें कौन मिलेगा, कौन सा पॉइंट मिलेगा, हमें प्लस पॉइंट मिलेगा। जब हम ऐसे इधर से जाएंगे तो सबसे पहले हमें मिलेगा प्लस पॉइंट मिलेगा, और जब प्लस पॉइंट मिलेगा तब हम लिखते हैं माइनस का ई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, माइनस का ई लिखते हैं। जब हमें प्लस पॉइंट पहले मिलेगा तब लिखेंगे माइनस का ई।
अब तो हम इधर से जा रहे थे और जब उधर से हम आएंगे, अब कोई आदमी ये रहा आएगा, इसी आएगा, तो सबसे पहले उसको कौन मिलेगा, तो सबसे पहले उसको मिलेगा माइनस, और जब माइनस मिलेगा तब हम लिखते हैं प्लस का ही लिखते हैं, उल्टा होता है, अगर प्लस मिलेगा तो माइनस और माइनस मिलेगा तो प्लस लिखेंगे। अब हम आ जाते हैं संधारिता में, हमारा संधारिता में क्या होता है, यहाँ भी क्या होता है प्लस माइनस होता है, ये भी क्या होता है प्लस माइनस होता है। अब इसी का ठीक इसी प्रकार से भी काम करता है, जैसे हम ऐसे जा रहे हैं और हमको मिल गया प्लस, और जब हमको प्लस मिल गया तो हम लिखेंगे माइनस का क्यू बटे सी लिखेंगे। यहाँ से जा रहे हैं तो पहले प्लस मिल गया तो माइनस का क्या होते हैं लिखते हैं हम क्यू बटे सी। अब कोई उधर से आ रहा है, जब ऐसी कौन आएगा हे रहा है आदमी, तब सबसे पहले उसको मिलेगा माइनस, और जब उसको माइनस मिलेगा तब हम लिखते हैं प्लस का क्यू बटे सी लिखते हैं। समझ में आ गया, तो ये होता हमारा चिन्ह परिपाटी, यानी जब विद्युत धारा और प्रतिरोध एक के साथ चलेंगे तब माइनस का आई और आर, और जब विद्युत धारा और प्रतिरोध विपरीत दिशा में चलने लगेंगे तब होता है प्लस का आई और आर, और जब सबसे पहले रास्ते में हमें प्लस मिलता है तो हम लिखते हैं माइनस का ई, और जब रास्ते में हमें माइनस मिलता है लिखते हैं प्लस का ई। उसी प्रकार होता है हमारा संधारिता में, सबसे पहले प्लस मिलेगा तो लिखेंगे माइनस का क्यू बटे सी, और हमारा जब इधर से आएंगे माइनस मिलेगा तो प्लस का क्यू बटे सी। तो समझ में आ गया, लेकिन अब इस पे आ जाएगा बनाने के लिए तो हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और ऐसे बना लेते हैं, ऐसे हो गया हमारा, ये बन गया हमारा सर्किट, क्या बन गया, ये बन गया हमारा सर्किट बन गया। हम इसको मान लेते हैं ए बी सी और डी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं ए बी और सी और डी मान लेते हैं। अब देखिए जो हमारा विद्युत वाहक बल है तो क्या है, ई है, विद्युत वाहक बल क्या हमारा ई होता है, देखिए यहाँ पे विद्युत वाहक बल ई होता है। अब जो विद्युत वाहक बल का जो विभवांतर आएगा किसके ऊपर जाएगा, ऊपर वाले पे जाएगा, यानी जाएगा किस पे, आई और आर के ऊपर जाएगा, किसके ऊपर जाएगा आई और आर के ऊपर, यानी जो ई का विभवांतर है किसके ऊपर चलेगा, आई और आर के ऊपर चलेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, ई बराबर लिख सकते हैं आई और आर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आई और आर। अब हमको क्या करना है, चलना है। अब हम देखेंगे चिन्ह परिपाटी के हिसाब से कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उल्टे चलते हैं, दुनिया चले या गाड़ी तो मैं चलूँ पिछाड़ी, या सब लोग गाड़ी चलते हैं तो हम क्या करेंगे, हम पिछाड़ी हम लोग चलेंगे। तो देखिए पिछाड़ी चलेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे ए, उसके बाद डी, उसके बाद सी, उसके पास बी, उसके बाद फिर आ जाएंगे ए के पास आ जाएंगे, ए से चलेंगे डी तक, डी से सी तक, सी से बी तक, फिर ए तक आ जाएंगे। अब देखिए चिन्ह परिपाटी कैसे होगा, ये तो हो गया हमारा सेल होता है तो क्या होता है, इसे प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये भी प्लस आई माइनस हो गया। अब देखिए अब यहाँ ए के सामने कोई आदमी खड़ा है, हम क्या है ए के सामने हम खड़े हैं, और जब ए से हम आगे इसे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें कौन सा चिन्ह मिलेगा, तो हमको मिलेगा प्लस का चिन्ह, और जब प्लस का चिन्ह मिलेगा तो हम क्या लिखते हैं माइनस का ही लिखते हैं। देखिए हम इधर से चल रहे हैं तो प्लस मिला तो लिखे हैं माइनस का ही, उसी प्रकार जब इसमें चल रहे हैं तो प्लस मिल रहा है तो हम क्या लिखेंगे माइनस का ही लिखेंगे, तो लिख दिए हम माइनस का ही लिख दिए। अब हम चल गए डी तक, डी तक चले गए, अब डी से जाना है सी तक, बीच में कोई मिल रहा है, कोई नहीं मिला तो छोड़ दो। अब सी से आएंगे फिर बी तक, लेकिन इसमें आई और आर दोनों मिल रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, तो जब आई और आर दोनों मिल रहे हैं तो यहाँ पे देखिए इसका जो धारा है और प्रतिरोध है दोनों एक के दिशा में चल रहा है, यानी क्या है जो धारा और प्रतिरोध एक के रहा है चल रहा है, जब एक रास्ते से चलते हैं, जब धारा और प्रतिरोध एक रास्ते से चलते हैं तो क्या कहते हैं हम उसे, तो हम लिखते हैं माइनस, लेकिन जब विपरीत में चलेंगे तब क्या लिखते हैं हम प्लस लिखते हैं। तो ये धारा है और ये धारा है हरियन जा रहा है, और जो मनैया यहाँ खड़ा है सी पे ये हरियन ऐसे चल रहा है, यहाँ आएगा और धारा यहाँ जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे विपरीत हो जाएंगे, विद्युत धारा यहाँ जाएगा और मनैया यहाँ आएगा, और जब विपरीत में होने लगेंगे तब हम क्या लिखते हैं, तब प्लस में लिखते हैं। देखिए यहाँ जब विद्युत धारा और जब प्रतिरोध विपरीत में आएंगे तो हम लिखते हैं प्लस का लिखते हैं आई और आर लिखते हैं, क्या लिखते हैं आई और आर लिखते हैं। विपरीत में आ रहा है, हम पहले गए ए से लेके डी तक, डी से लेके गए सी तक, अब जो सी तक मनैया पहुंचा है ये मनैया आएगा बी के पास, और जो इसका विद्युत धारा जा रहा है सी की ओर, तो दोनों विपरीत जा रहे हैं, तो जब विपरीत जाएंगे तो यहाँ पे प्लस का आई और आर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हो गया हमारा प्लस का ई बराबर हो गया आई और आर,
क्या हो जाएगा, आई और आर, जब इधर जाएगा तो आई और आर हो जाएगा, ऐसे मान लेते हैं जीरो मान लेते हैं। अब तो चले हैं हम उल्टा, दुनिया चले जाए गाड़ी तो मैं चले पिछाड़ी, अब हमको चलना है सीधा सीधा, हमको चलना है। अब सीधा कैसे जाएंगे, पहले हम क्या किए हैं, पहले हम चले हैं हाईसी, चले हैं हाईसी, हम चले हैं हाईसी, हम चल रहे हैं यहाँ से चल रहे हैं। तो यह क्या होता है, इसे हम कहते हैं पास, यानी जो बंद होता है उसे हम कहते हैं पास। तो हम पहले कह रहे हैं ए से लेके ऐसे चले हैं तो हम इसे कहते हैं पास। अब हमको चलना है सीधा सीधा चलना है, तो अब हम कैसे चलेंगे, जब हम सीधा चलेंगे तब इधर से जाएंगे तो हम ऐसे मुंहवा कर लेंगे, यानी ऐसे हमको चलना है, क्या करेंगे ऐसे चलेंगे। अब देखिए हमको चलना है ए से जा रहे हैं बी के पास, कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिला छोड़ दो। अब बी से हम क्या कर रहे हैं, सी के पास जा रहे हैं, जब बी से हम सी के पास चल रहे हैं तब क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए जो विद्युत धारा है और प्रतिरोध है दोनों एक दिशा में बह रहा है, और जब एक दिशा में बहते हैं तो हम क्या लिखते हैं, माइनस का आई और आर लिखते हैं, क्या लिखते हैं माइनस का आई और आर लिखते हैं, माइनस का आई और। देखिए यहाँ पे जब हम बी के पास जा रहे हैं तो हमको जाना है सी की ओर, और जो प्रतिरोध है और जो विद्युत धारा है दोनों सी की ओर जा रहा है और हम भी सी की ओर जा रहे हैं, तो जब दोनों एक साइड एक साथ में चलेंगे तो लिखते हैं माइनस का आई और आर लिखते हैं, समझ में आ गया। पहुंच गए सी पे, अब सी के पास फिर आना है डी के पास, डी के बीच में कुछ नहीं मिला तो छोड़ दो। अब फिर जब हम डी से इधर आ रहे हैं तो सबसे पहले हमें कौन सा चीज मिलेगा, तो माइनस मिलेगा। जब डी से हम ए की ओर आएंगे तो कौन मिलेगा, माइनस मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पहले हम चल रहे हैं ए, उसके बाद बी सी डी और ए से, यानी हमारा ये दूसरा वाला हो गया, हमारा पहला वाला हो गया दूसरा, यानी ए से चले बी तक कुछ नहीं मिला, और जब सी बी से सी तक चलें तब मिला हमारा माइनस का आई और आर। अब सी के पास डी के पास आने कुछ नहीं मिला, फिर जब डी से हम ए के बीच में आएंगे तो हमको मिला है माइनस, और जब माइनस मिलता है तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं प्लस, यानी देखो यहाँ पे माइनस मिला तो लिखेंगे प्लस, लिखते हैं लिखेंगे प्लस का ई। अभी इधर है ई हो जाएगा, उधर में जाएगा तो हो जाएगा प्लस में आई और आर हो जाएगा। अब ई बराबर आई और आर, और ई बराबर आई और आर दोनों में मिल गया, और हम अपने कॉमन सेंस से क्या लिखे थे, ई बराबर आई और आर लिखे थे। तो जो ई बराबर आई और आ गया, ये देखिए ये भी इसी में मिल रहा है और हाई यो इसी में मिल रहा है, तो ये किसका नियम था, तो ये था किरचाप, यानी किसकी चाह के चाप, तो किसका नियम था, ये किरचाप का नियम था। और वही काम हम यहाँ पे किए हैं, यहाँ पे देखिए विद्युत धारा प्रतिरोध क्या रहता है, एक साथ चल रहा तब क्या लगता है, माइनस लगता है, तो हम माइनस लिख दिए। और इसमें क्या है, इसमें विद्युत धारा यहाँ जा रहा है और प्रतिरोध यहाँ आ रहा है, और जब विपरीत दिशा में चलते हैं तो लिखते हैं प्लस, तो इसलिए हम क्या लिखे थे, यहाँ पे प्लस लिखे थे। तो सबसे मेन कौन सा होता है, तो होता है चिन्ह परिपाटी। एक बार और समझ लीजिए, जब विद्युत धारा प्रतिरोध एक ही साथ में कहीं जाएंगे तब लिखेंगे माइनस का आई और आर, और जब विद्युत धारा और प्रतिरोध उल्टा बहेगा, इधर जाएगा विद्युत धारा और इधर आएगा प्रतिरोध, तब हम लिखते हैं प्लस का आई और आर। और सबसे पहले जब हम चलते हैं रास्ते में प्लस मिलेगा तब लिखेंगे माइनस का ई, और जब रास्ते में हमें माइनस मिलेगा तब लिखेंगे प्लस का ई। उसी प्रकार संधारित्व में जब सबसे पहले हमें प्लस मिलेगा तो लिखेंगे माइनस का क्यू बटे सी, और जब सबसे पहले हमें माइनस मिलेगा तो लिखेंगे प्लस का क्यू बटे सी। तो यह था हमारा चिन्ह परिपाटी, अगर ये आपको याद हो जाएगा तो आप कहीं भी इसमें क्या करते हैं, लगा सकते हैं। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।